हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत किया जाता है। मेरे प्रियो, आज हम प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। रात की प्रार्थना, सभी लोग प्रार्थना में जुड़िए। पिता परमेश्वर से अपनी समस्याओं को, अपनी गरीबी को, अपनी घटी को पिता से बताएंगे, पिता से बात करेंगे। मेरे प्रियो, पिता हमारा बहुत महान है, बहुत ही दयालु है। वह राजाओं का राजा, वह प्रभु का प्रभु है। मेरे प्रियो, हम सभी को तैयार रहने की आवश्यकताएँ हैं। अंत का दिन चल रहा है, हम सभी को तैयार रहने की आवश्यकताएँ हैं। मेरे प्रियो, हमें 5 समझदार कुमारियों की तरह तैयार रहना है, हर घड़ी तैयार रहना है, वचन में बने रहना है, प्रार्थना में बने रहना है। ठीक है, हमारे दिए जलते रहें। यीशु मसीह ने कहा, तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तो हम सभी को नहीं पता है कि हमारा प्रभु हम सभी को कब लेने आएगा। वह घड़ी सुबह की भी हो सकती है, रात की भी हो सकती है, दोपहर की भी हो सकती है। मेरे प्रियो, तो हम सभी को तैयार रहने की आवश्यकताएँ हैं, वचन में जागने की आवश्यकताएँ हैं, प्रार्थना में बने रहने की आवश्यकताएँ हैं। मेरे प्रियो, हमें सांसारिक जीवन नहीं बिताना है। यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुम संसार से प्रेम करते हो तो तुम्हारे अंदर पिता का प्रेम नहीं है। मेरे प्रियो, हमें संसार के लोगों से, संसार से प्रेम नहीं करना, संसार से मित्रता नहीं करना है। मेरे प्रियो, यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो वह अपने परमेश्वर को बैरी बनाता है। मेरे प्रियो, ऐसा मैं नहीं, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे मेरे प्रियो, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। जो यीशु मसीह ने वचन में कहा है, एक बिंदु तक नहीं टलेगा। मेरे प्रियो, गलती गुना हुए हैं, सब पिता से बताएंगे। ठीक है, पिता को हमारा ध्यान रहता है ना, हमारा परमेश्वर ध्यान करता रहता है कि मेरा बेटा मुझसे प्रार्थना करेगा, मुझसे बात करेगा। ठीक है, जो भी घटी है यीशु मसीह पूरा करेगा। आपकी बीमारी को, आपकी समस्याओं को यीशु मसीह दूर करेगा। तो चलिए प्रार्थना को शुरू करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। मेरे स्वामी पिता महान है, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह। पिता हम धन्यवाद देते हैं, मेरे स्वामी, मेरे राजाओं की राजा पिता, जो आपने पिता हम सभी मसीह भाई बहनों को मेरे पिता जीवतों के बीच में मेरे स्वामी जीवित रखा है, संभाल के रखा है यीशु राजा। इसके लिए पिता कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं मेरे स्वामी पिता। कितने तो होंगे पिता जो आज शाम की देखने को नहीं पाए होंगे, मर गए होंगे, संसारिक लोग होंगे पिता, परिवार वालों से बिछड़ गए होंगे और नर्क में चले गए होंगे पिता, बिना उद्धारी के मर गए होंगे मेरे पिता। पिता जो आपने हम सभी को पिता जीवित रखा है मेरे राजा, संभाल के रखा है मेरे स्वामी, मेरे राजाओं की राजा मेरे पिता। इसके लिए पिता कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं मेरे स्वामी पिता। पिता जो भी हम सभी मसीह भाई बहनों से पिता पाप गलती गुनाह हुए हैं मेरे राजा, होते हैं मेरे स्वामी, आप माफ़ करें मेरे राजाओं की राजा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप क्षमा करें मेरे पिता, आप ही के पास ये अधिकार है मेरे राजा कि आप ही हम सभी मसीह भाई बहनों के पापों को क्षमा कर सकते हैं मेरे पिता। आप माफ़ करें मेरे पिता, आप निष्पाप हैं पिता, आप जलाली, आप सर्वशक्तिमान हैं मेरे पिता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र पवित्र राजाओं के राजा हैं आप, प्रभु के प्रभु मेरे पिता। पिता आपने मुर्दों को जिलाया है, अंधों को दृष्टि दी है, कोढ़िया पाहजियों को शुद्ध किया है मेरे पिता। आपने अद्भुत चिन्ह चमत्कार किए हैं मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके ना कोई तुल्यवा हो, ना कोई उपायगा इस जगत में मेरे पिता। अद्भुत चिन्ह चमत्कार करने वाले मेरे पिता आप हैं मेरे खुदा। पिता जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे मेरे पिता, विश्वास के साथ पिता सुन रहे मेरे पिता, वो प्रार्थना को रसीव कर रहे हैं मेरे पिता। लास्ट में अमीन बोल कर मेरे पिता, जो बीमार हैं मेरे पिता, जो डेंगू बुखार मलेरिया में कुछ भी समस्या का है, जितनी भी घातक बीमारी क्यों ना, मेरे स्वामी आपसे बड़ी और कुछ भी नहीं है मेरे राजा, आपसे बड़ी कुछ भी नहीं है मेरे स्वामी पिता। असंभव को संभव करने वाले मेरे पिता आप हैं मेरे स्वामी, आप हैं मेरे पिता। जो हॉस्पिटल में बीमार हैं मेरे स्वामी, राजाओं के राजा पिता, जो इस वक्त प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे पिता, वे चंगे हो जाए मेरे स्वामी, वे बेड छोड़कर उठकर बैठने पाए, आपकी महिमा और जय जयकार करने पाए मेरे स्वामी पिता, आपकी महिमा जय जयकार करने पाए मेरे पिता। वे आजाद हो जाए मेरे पिता, वे फ्री हो जाए मेरे स्वामी, वे फ्री हो जाए आपके सामर्थ्य नाम से पिता। पिता आपने कहा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा मेरे पिता। यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं पिता, ये वो हीलिंग महसूस करने पाए पिता, ये चंगे हो जाए मेरे पिता, चंगाई को रिलीज कर दीजिए यीशु मसीह अपने सामर्थ्य के द्वारा मेरे पिता। पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूँ, पवित्र आत्मा जी छू लीजिए अभी इसी घड़ी,
हर एक जन को छू लीजिए, पवित्र आत्मा जी छू लीजिए मेरे पिता, जो गरीब है मेरे राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु पिता, जो लाचार है मेरे पिता, जो कमाने वाले नहीं है मेरे पिता, ये उधर उधर 100-200 रुपए पर पिता इधर हाथ ना फैलने पाए मेरे स्वामी पिता, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पिता आपके पीछे आए हैं मेरे पिता, आप इनका जीवन संभाल लीजिए मेरे स्वामी मेरे राजाओं के राजा पिता, ये टूटने बिखरने ना पाए मेरे पिता, ये टूटने बिखरने ना पाए मेरे पिता। आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे वाले खोल दिए जाएंगे मेरे पिता। मुझे विश्वास है मेरे पिता, हमें विश्वास है मेरे पिता, हम मांगते हैं जो भी पिता आप देते हैं मेरे स्वामी पिता, इनकी गरीबी को दूर कर दीजिए मेरे पिता, संसारिक लोग पिता इनका हंसी ठट्ठा मजाक ना करने पाए मेरे पिता, ये 100-200 रुपए पर पिता इधर ना भटकने पाए मेरे स्वामी पिता, इन्हें अच्छा सा नौकरी बिजनेस दीजिए मेरे स्वामी पिता, ताकि ये पिता अपने पैरों पर खड़े हो जाए पिता, और अपना जीवन आपके वचन के अनुसार जीवन जीने पाए मेरे स्वामी मेरे पिता। पिता इनके घरों के ऊपर आशीष से उंडेल दीजिए पिता, बरकतें उंडेल दीजिए मेरे स्वामी, आपने आपके इनके हाथ पिता मांगने वाले नहीं मेरे स्वामी, इनके हाथ देने वाले बना दीजिए मेरे स्वामी, इनके हाथ देने वाले हो जाए मेरे पिता, इनके हाथ देने वाले हो जाए यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, पवित्र पवित्र आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु मेरे पिता। पिता हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जिनके जीवन में पिता शैतान कार्य करता है मेरे स्वामी पिता, जिनके दिमाग में जिनके मनों में पिता शैतान गलत गलत विचार डालता है, पाप गलती गुनाह करवाता है मेरे स्वामी पिता, लड़ाई झगड़े डालते हैं मेरे स्वामी, परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है मेरे स्वामी, आपके नाम से पिता वो लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए हमेशा के लिए पिता, वे घर आजादी पाने पाए, आजाद हो जाए मेरे पिता, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता, वे टेंशन डिप्रेशन से बाहर निकाला है मेरे पिता, जो टूट गए हैं मेरे स्वामी, जो किसी बात को लेकर टूट गए हैं पिता, जो निराशा में बेचैनी में चले गए हैं, टेंशन डिप्रेशन में चले गए हैं मेरे स्वामी पिता, जो रो रहे हैं मेरे पिता अपनी समस्याओं को बीमारियों को लेकर पिता, शादियों को लेकर पिता, वे टेंशन डिप्रेशन से बाहर निकल आए आपके नाम से यीशु के नाम से पिता, उनका रोना भी लखना चिल्लाना बंद हो जाए यीशु मसीह आपके नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, पवित्र 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 पिता आप पवित्र हैं पिता, आप अति पवित्र हैं मेरे स्वामी पिता, स्वर्गदूत स्वर्ग में बिना बिना विश्राम किए हैं मेरे पिता, वे यही कहते रहते हैं पवित्र पवित्र हमारा सेनाओं का यहोवा पवित्र है मेरे पिता, आप हम सबों को पवित्र बनाइए मेरे पिता, जो भी पाप गलती गुनाह होते हैं मेरे स्वामी आप माफ़ करें मेरे पिता, आप क्षमा करें मेरे पिता, आपके राज्य में जाने के लायक बन सके मेरे पिता, आपके सामने खड़े होने के योग्य बन सके पिता, जहाँ पर प्रभु जी आप रहते हैं पिता वह जगह पवित्र है मेरे स्वामी, वहाँ सिर्फ पवित्र लोग ही जा पाएंगे मेरे पिता, पिता आप अपने लहू से धोकर शुद्ध करें मेरे पिता, एकमात्र सच्चे परमेश्वर पिता आप ही पिता, आप ही हैं पिता, आप ही के पास वो अधिकार है मेरे पिता कि आप ही हर एक मनुष्यों के पापों को क्षमा कर सकते हैं मेरे पिता। पिता आपने हमारे लिए दोपहर से तीसरे पहर तक पिता आप क्रूस पर लटके रहे पिता, क्रूस पर लटके रहे पिता, आपने बहुत कष्ट सहे हैं मेरे पिता, आपने हम सभी के पापों को गुनाहों को पिता अपने ऊपर ले लिया मेरे पिता, कोड़े खाए हैं, मार खाई है, कांटों का मुकुट रखा गया है, थूका गया है मेरे पिता आपके उस सिर के ऊपर मुख के ऊपर पिता, पिता हम सबको माफ़ करें पिता, आपने इतना दुख दर्द सहा है मेरे पिता, इसके लिए पिता धन्यवाद दें मेरे स्वामी, जो पिता बीमारी से पापों से पिता आजाद कर दिया है और पिता आपने अनंत काल का जीवन देने का वायदा किया है मेरे पिता, इसके लिए पिता कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं मेरे स्वामी। यस हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, पवित्र पवित्र आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु मेरे मालिक सृष्टिकर्ता राजा, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो, आपकी तारीफ करते हैं मेरे स्वामी पिता। पिता जो काम के लिए बाहर गए थे मेरे पिता मसीह भाई बहन पिता, उनकी आने जाने में मेरे पिता आप सहायता करना, मदद करना मेरे स्वामी, उनकी आने जाने में सहायता करना, मदद करना पिता। आपने कहा है जहाँ कहीं तू जाएगा मेरा वचन तेरे लिए पांव का दीपक है, तुझे चलने में रोक ना होगी मेरे पिता। यस मेरे राजाओं के राजा, मेरे सर्वशक्तिमान मेरे पिता, मेरे
पिता उनके आने जाने में सहायता करे, मदद करे मेरे स्वामी। पिता जो रात में मसीह भवन नहीं सो पाते हैं, डर लगता, भय लगता है पिता, गंदे सपने आते हैं, ख्याल आता है पिता, गलत विचार आते हैं मेरे स्वामी, आपके नाम से पिता गंदे सपने ख्याल जलकर राख हो जाए हमेशा के लिए पिता, वे जलकर राख हो जाए मेरे पिता। उनके चार पाई के पास आपके लहू का लेप लगा देते, बाड़ा बांध देते, दूध का बाड़ा बांध देते यीशु मसीह। पिता आपने कहा है जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी, अचानक आने वाले भय से ना डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति अचानक आ पड़े तब तुम ना घबराने मेरे पिता। इस वचन के अधिकार को मांगते हैं मेरे पिता, इनके जीवन में पिता, इनकी लाइफ में पिता, ये वचन 100 गुणा फलवंत होने पाए मेरे पिता। पिता ये छोटी सी विनती आपके नाम से मांगते हैं मेरे पिता, सुनिए और कबूल करिएगा, आमीन।